उमरिया जिले में, मध्य प्रदेश में लैंड ऑफ टाइगर के रूप में उमरिया जिले की पहचान है, यानी बाघ जहां की पहचान है। कोयला प्रचुर मात्रा में मिलता है तो कोयलांचल के रूप में भी इस इलाके की पहचान है। लिहाजा आज उमरिया की जनता हमारे साथ मौजूद है, उमरिया के जनप्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं। सवाल जवाब का सिलसिला होगा, चूंकि चुनाव सर पर है, सवाल पूछे जाएंगे कि क्या कुछ किया गया पिछले कई सालों के दौरान और क्या हासिल हुआ, जनता के मुद्दे क्या क्या हैं। पलायन रोजगार को लेकर एक बड़ी समस्या निकल के सामने आती है, कोयला निकलता है, ऊर्जा से तैयार होती है, बिजली तैयार होती है, लेकिन क्या इस इलाके को उस रोशनी से दो चार होना पड़ता है, नहीं। कई सारे सवाल हैं, गंभीर सवाल हैं, जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे इस बेहद खास कार्यक्रम जन कारवा की शुरुआत करते हैं। और जैसे हमारे इस कार्यक्रम की रवायत है, शुरुआत करेंगे लोकतंत्र के शपथ के साथ। आप सबसे निवेदन है अपने स्थान से खड़े हो जाइए, एक शपथ हम सभी लें, चूंकि जिम्मेदारी हमारी लोकतंत्र के प्रति है। अपने हाथ आगे करिएगा और एक शपथ लेंगे, मैं भारत के लोकतंत्र में सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगा। मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करूंगा। बहुत धन्यवाद, स्थान ग्रहण कीजिएगा और इस शपथ को हमेशा याद रखिएगा, मताधिकार का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि वोट आपका अधिकार है, सोच समझकर इसका इस्तेमाल जरूर करें। बहरहाल अब शुरुआत करते हैं, एक बार जोरदार तालियां, उमरिया से ऐसी आवाज पूरे मध्य प्रदेश में यहां से जाए। और सबसे पहले, चूंकि मैंने कहा कि जन कारवां नाम से ही जाहिर है, ये जनता का मंच है, शुरुआत जनता के कुछ ऐसे नुमाइंदों के साथ में करते हैं जो यहाँ से जुड़े हुए हैं, जो यहाँ के सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए हैं। अलग अलग विषयों को पहले लेते हैं, फिर जिम्मेदारों से सवाल करते हैं। आपसे क्या शुरू, क्या कहेंगे, क्या मुद्दे हैं, आपको लगता है कि पिछले 5 साल के दौरान या 10 साल के दौरान उमरिया को आप कहाँ पाते हैं? देखिए, यदि बात की जाए तो 2003 से उमरिया जिस स्थिति में आज भी स्थिति में है। 2003 में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ से विधायक निर्वाचित हुए और ये 2023 आ गया, और उस दिनांक से लेकर आज दिनांक तक यदि विकास की बात की जाए तो कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी समस्या है, शिक्षा की समस्या है, चिकित्सा की समस्या है, महाविद्यालय में जो है प्रोफेसर नहीं है उनकी समस्या है, और ग्रामों की स्थिति में देखा जाए तो वहाँ बिजली नहीं है, पानी नहीं है। ये जो उमरिया जिला है पूरी तरीके से 2003 से 2023 तक आज की स्थिति में पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पे सरकार रही, यहाँ पे उनके विधायक रहे, पूरी तरीके से विकास के नाम पे असफल हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के प्रति इस बार के चुनाव में भारी गुस्सा है, जो मतदान होगा तो निश्चित रूप से उमरिया से भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना। ठीक है, ये और तमाम आम जनता की राय लेने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आपने बताया कि साल 2003 में शहडोल से अलग करके उमरिया जिले की स्थापना की गई थी, यानी कि करीब 20 साल बीत चुके हैं जिला बने हुए, और परिसमन हुआ 2008 में। दो यहां पर विधानसभा बनी, बांधवगढ़ और मानपुर, दोनों ही विधानसभा पर पिछले लगातार 2008 के बाद जितने चुनाव हुए हैं भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। कांग्रेस पार्टी यहां उम्मीदों को ढूंढ रही है कि क्या वो यहां पर खाता इस बार खोल पाएगी, लिहाजा कई सारे सवाल जवाब की तलाश करेंगे। छोटी सी जानकारी था आपको दे दी, इन सबके बीच कुछ पहले सवाल ले लेते हैं। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम रिजवान अहमद है, पेशे से मैं वकील हूं, मैं कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं हूं। उमरिया जिले की जो समस्या है, जैसा कि आपने अपने शुरुआती उद्बोधन में बताया कि उमरिया बाघों का शहर है और कोयलांचल एरिया है, उमरिया का निश्चित रूप से बाघों का शहर है, लेकिन यहाँ पे टूरिज्म भी है, करोड़ों रुपए की आमदनी भी होती है, लेकिन मुश्किल बमुश्किल 1-2% लोग ऐसे हैं जो स्थानीय युवा वहाँ पे रोज़गार उनके पास है। कोयलांचल की बात अगर करें तो यही स्थिति कोयलांचल की है, स्थानीय लोगों को कोयलांचल में बमुश्किल 2-3% की भागीदारी है। तो उमरिया ज़िले की जो समस्या है, दूसरी सबसे महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पलायन की है। लगभग उमरिया ज़िले में 650 गांव हैं, और मैं जहाँ तक मैं समझता हूँ कि हर साल यहाँ का जो मजदूर तबके का व्यक्ति है, हजारों की तादाद में महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, हरियाणा और पंजाब मजदूरी करने जाता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और ये समस्या इसलिए है क्योंकि जिनके पास खेती के लायक ज़मीन है भी, लेकिन खेती को जो भी सरकारें हैं वो लाभ का धंधा नहीं बना सकी, किसान आज भी घाटे में हैं, तो वो मजबूर हैं पलायन करने के लिए। तो ये एक दूसरी समस्या है। यहाँ का जो हॉस्पिटल है, जिला हॉस्पिटल, इसका नामकरण हो गया है, वो रेफर सेंटर है। तो ये मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, महंगाई है,
और बेरोजगारी की बहुत महत्वपूर्ण इन्होंने मुद्दे उठाए हैं, इस पर बात करेंगे, क्योंकि एक ही बात पर इन्होंने रोजगार की बात कही, पलायन की बात यहाँ पर कही और शिक्षा चूंकि बुनियादी सुविधा है उसके लेकर। यहाँ हमारे बीच में कुछ महिलाएं भी हैं, मैं चाहूंगा कि शुरुआत में उनको भी बीच में शामिल कर सके। कर आप लोगों में से कुछ कहना चाहें जी, बोलिए बोलिए, ऐसा मत करिए, बोलिए जी, बोलिए, क्या बोलना, ठीक है, अभी आप पहले फॉर्म भर लीजिए फिर मैं आपके पास आता हूँ, ठीक है। यहाँ से अगर कोई जवाब देना चाह रहा है, कोई सवाल करना चाह रहा है, ठीक है, मैं आप चूंकि जिम्मेदारों के पास पहुंचता हूं और वहीं से सवाल जवाब के सिलसिले शुरू करता हूं। कई सारे सवाल हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए भी आप लोग हैं और लगातार 2008 से यहां पर विधायक भारतीय जनता पार्टी, जनता ने भरपूर यहां पर सहयोग दिया, लेकिन क्या जनता को सब कुछ मिला? पहले तो मैं IBC 24 चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस तरह जनकारवा के माध्यम से हम सब की बात पूरे प्रदेश के साथ साथ जिले में पहुँचाने का काम किया। यहाँ पर बैठे जितने भी नुमाइंदे हैं हमारे विपक्षी दल के लोग, अभी मैं उनकी बातें सुना, उन्होंने आरोप लगा दिया 2003 के बाद हमको जिस तरीके से प्रदेश मिला हुआ था, ना बिजली, ना सड़क, ना पानी, ना स्वास्थ्य, ना शिक्षा, बंटाधार उसके मालिक होते थे 2003 के बाद, आज 2023 में खड़े हम 18 साल के कार्यकाल में इस मध्य प्रदेश की दिशा और तस्वीर बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। मध्य प्रदेश की तस्वीर तो बदली, लेकिन क्या उमरिया की तस्वीर बदली है? उमरिया जिला 2003 के बाद आज उमरिया जिले का आप विकास के चारों तरफ, आप खुद आए होंगे, अंदर प्रवेश किया होगा आपने, ये उमरिया नगर को ही आप ले ले, जिला मुख्यालय है ना, यहाँ पर सड़कें थी, ना यहाँ पर नल के पानी पीने की व्यवस्था थी, ना शिक्षा के सही स्कूल थे, ना स्वास्थ्य विभाग सही ढंग से था। आज आपको चारों तरफ संपन्नता दिख रही है, आज आप IT 27 यहां पर अगर आया है, यहां के दर्शक, मध्य प्रदेश के दर्शक के प्रति जितने दल के लोग आए हैं, आपके प्रति उनकी विश्वसनीयता है, आपकी क्रेडिबिलिटी है, इसीलिए ना हम सब आए। अगर हम 18 साल से 20 साल से लगातार जीत रहे तो मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास है हमारे ऊपर, ठीक है, 18 साल से लगातार जनता का यहाँ पर भरोसा मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी से जवाब चाहने की कोशिश करते हैं, आपने कई सारे सवाल भी खड़े किए थे, आप अगर बताना चाहें, वो ये कह रहे हैं कि 18 साल से जनता तो साथ दे रही है और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी को 40% लोग वोट देते हैं, 60% नहीं देते, ये आंकड़े की बात न करें। डबल इंजन की इनकी सरकार, आपने बहुत सारी खूबियां गिनवाई, 28 ट्रेनें उमरिया से बिना रुके चली जाती हैं, बांधवगढ़ आपने कहा यहां पर है। कांग्रेस ने केंद्रीय विद्यालय दिलवाया, यहां की सरकार 25 साल से उसको बिल्डिंग नहीं दिलवा पाई, ये शिक्षा की बात करते हैं। पलायन इतना ज्यादा है कि 50,000 लोग यहां से जाके रोजगार करने दूसरे अन्य देशों में 5,000 रुपए के लिए जाते हैं। तो ये जो हालत है, और जो ये कह रहे हैं कि हमको आशीर्वाद मिला, जो हमको जनता आशीर्वाद दे रही है, 60% जनता आपको आशीर्वाद नहीं दे रही, आपको धिक्कार रही है, आप पर थू थू कर रही है, और इस बार आपको जनता दिखा देगी कि आशीर्वाद कौन सा, ठीक है, इस बार जनता दिखा देगी। वो ये कह रहे हैं कि इससे पहले तो बहुत आशीर्वाद मिला लेकिन आप लोगों ने काम किया नहीं, इस बार जनता दिखा देगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, इस देश का, इस जिले का नक्शा बदल गया है। 2003 के पहले ये जिला, ये शहर हमारा एक खंडहर हुआ करता था, आज यहाँ न सड़कें थी, न पानी था, न बिजली था, न रोजगार था, न शिक्षा के कोई संसाधन थे, न हॉस्टल थे, न कुछ भी नहीं था। आज आज़ादी के बाद 2003 तक इस जिले में मात्र 2 छात्रावास थे SST के लिए, आज उमरिया जिला मुख्यालय में कम से 15 से 20 छात्रावास हैं जो कन्याओं के लिए और बालकों के लिए काम कर रहे हैं। पूरे जिले के हर 10 किलोमीटर में एक हाई सेकेंडरी स्कूल मिल रही है आज की स्थिति में। हमारी चारों तरफ सड़कों का जाल बिछ गया है। जो कांग्रेस के लोग बोलते हैं कि हमको 40% वोट मिलते हैं, तो 60% कांग्रेस को नहीं मिलते हैं वो 60% वोट। आज हम सबसे ज्यादा वोट से भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार बन रही है 20 साल से, तो ये भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी की कैपेबिलिटी है, जो उन्होंने अपना एक विश्वास जनता पर जताया है। अगर आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव होगा, दिसंबर तक फिर चुनाव होंगे, और कांग्रेस के लोग देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी और पुनः 5 साल भारतीय जनता पार्टी, ठीक है। इन सबके बीच में कुछ अहम मुद्दों जी, सन 1947 में देश आजाद हुआ था, आप भोपाल से आए हैं, यहाँ उमरिया 2 किलोमीटर में सेवाई है, 1947 से देश आजाद है, आज तक रोड नहीं बनी, रोड की बात करते हैं, रोड नहीं बनी। मैं हमेशा BJP को वोट देता था, नहीं दूंगा, मेरी श्रीमती जनपद अध्यक्ष है, 110 पंचायत जितना बांधवगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, आप चले जाइए 3 किलोमीटर आप जाइएगा, कहीं जाने की इनसे कांग्रेस BJP वालों से पूछने की जरूरत नहीं है। आप चले जाइए ग्राम बड़ेरी में, एक सामुदायिक भवन नहीं है,
तखतपुर चले जाइए, 4 किलोमीटर, जिला मुख्यालय से 3 किलोमीटर में पड़े। वो तो कह रहे हैं कि बहुत कुछ काम करा दिए। कुछ काम नहीं है, ठीक है, चले जाइए। आपके तमाम दावों पर उन्होंने सवाल खड़े कर दिए हैं। वो कह रहे हैं 2 किलोमीटर दूर सड़क नहीं है। वो जो 2 किलोमीटर दूर की बात कर रहे हैं, बता दे कि आजादी के बाद क्या उनके यहाँ सड़क थी पहले क्या? आज वो नया गाँव बसा हुआ है जो पूरे खेतों के उस पार बसा हुआ है। हजारों का हजार किसान वहां रहते हैं जो अपनी जमीन नहीं दे पा रहे हैं हमें। जब वो जमीन देंगे तब तो सड़क बनेगी। किसी की सरकार है, कोई तानाशाही नहीं है कि किसी की जमीन लेके किसी की सरकार बना दे हम। ये कोई तानाशाही सरकार नहीं है कि किसी की जमीन छीन ले और रोड बना दे। एक निश्चित रूप से एक गाँव बसा है, नया गाँव बसा हुआ है, वहाँ एक सबसे सहमत बना के जमीन लेने की प्रक्रिया चालू, प्रक्रिया हो भी गई है, फंड अलॉटमेंट हो गया है, रोड बनने काम बरसात के ठीक बाद चालू हो जाएगा। बरसात शुरू, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर भी कहा, अस्पताल तो बन गया है लेकिन सिर्फ एक रेफरल सेंटर बनकर रह गया, बाकी मुद्दे भी बताइए। जहाँ तक विकास की बात है, अभी मेरे मित्र जो है मून सिंह जी बहुत लंबी चौड़ी बात कर रहे थे कि यहाँ सिवाई में सड़क नहीं बनी। मून सिंह जी झूठ मत बोलिए, 12,51,000 रुपए सिवई सड़क के लिए सेंक्शन हुए और आपके द्वारा, आपकी पत्नी जो जनपद की अध्यक्ष है उसके द्वारा क्या कहते हैं जो कार्यक्रम हुआ वहां पर क्या कहते हैं उसका अलाइनमेंट हुआ, और झूठ मत बोलिए। दूसरी बात, सड़क इसलिए नहीं बन रही थी कि वहां पर कुछ जो दबंग लोग थे उस सड़क का काम नहीं बनने रहते। जहां तक विकास की बात है, क्योंकि आपने इस बात को उठाया इसलिए मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि वो मेरे मित्र हैं। अच्छा, दबंग लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी तो आपको ही करनी है, सरकार तो आपकी है। जो दबंग लोग हैं उनके द्वारा जो है रास्ते में रुकावट पैदा करने की कोशिश की थी। जहां तक विकास की बात है, 5 साल यहां पर हमेशा क्या कहते हैं कांग्रेस की परिषद थी, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक बार आई। क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी के नगर पालिका ने? 16 करोड़ रुपए की पानी की योजना शुरू की। किसने शुरू की? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए संक्षेप में 16 करोड़ पानी की योजना किसने शुरू की? 11 करोड़ वर्षला की सड़कें किसने शुरू की? आज ये महापुर्षों की माँ बनी है, चाहे राणा दुर्गावती हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो, चाहे पंडित दीनदयाल हो, ये महापुरुषों की मूर्तियां वहां भी। आप एक मिनट रुके, इतना वक्त मेरे पास नहीं है किसी एक को देने के लिए। संक्षेप में बात रखिए जी। जी बोलिए, 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 बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, बोल करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। मैं सीधा सवाल आप के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सारे वरिष्ठों से पूछना चाहता हूं। जब यहां पर मुख्यमंत्री जी आते हैं और मुख्यमंत्री जी आकर पूछते हैं ज्ञान सिंह जी पूर्व मंत्री हैं, पूर्व सांसद हैं, उनके बेटे भी विधायक हैं। संक्षेप में बोलिए ना। संक्षेप में ही बोल रहा है। तो उमरिया के लिए क्या चाहिए? तो ज्ञान सिंह जी कहते हैं ओहो धन हो, ओहो भगवान स्वरूप मुख्यमंत्री के दर्शन हो गए, अब कुछ नहीं चाहिए। तो मैं बताना चाहता हूँ ज्ञान सिंह जी, उमरिया की जनता को स्कूल चाहिए और स्कूल की खंडार भ्रष्टाचार की बिल्डिंग नहीं, उसमें मास्टर चाहिए। अस्पताल इतना बड़ा बना है, अस्पताल में डॉक्टर चाहिए और सड़क भी चाहिए। और मैं एक बात और बोलना चाहता हूं, उमरिया मुख्यालय से 2 किलोमीटर दूर पर, बल्कि कलेक्ट्रेट से 1 ही किलोमीटर पे। भैया लंबा सुनिए, सुनिए, इसको मत हाथ लगाइए। दूसरा ये कि भाषण सुनने के लिए नहीं आया ना आप। संक्षेप में बात रखिए, मैं पहले भी आपसे कहा था मुद्दों पर बात करिए, ठीक है। यहाँ से एक सवाल है जी, बोलिए बोलिए। मैं डीएल राहिया ग्राम भरौला। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वैसे जो भी योजना है सरकार की वो तो जैसा है वैसा चल ही रही है, पर हमारे जिले में जितने भी कलाकार हैं उनको थोड़ा संसाधन की कमी है। यहाँ कलाकार तो बहुत हैं मगर उमरिया जिले में कोई उनके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है। एक यहाँ ऑडिटोरियम मंजूर हुआ था पर वो कुछ दूर तक बना, फिर पता नहीं वो बजट का क्या हुआ कैसा। तो मैं निवेदन करता हूँ कि सरकार थोड़ा हम कलाकारों के विषय में सोचे और हमें वो संसाधन। अच्छा, इससे पहले आपने कहीं मांग रखी अपनी? नहीं, वो मंजूर है, कुछ दूर तक बन भी गया है लेकिन पता नहीं फिर क्या हो गया। और यहाँ कलाकार जबकि बहुत हैं और बड़े 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 कलाकार हैं पर संसाधनों की कमी है, उनको थोड़ा सा वो नहीं मिल पा रही शासन से योजना का लाभ। तो मैं निवेदन करूंगा सरकार मेरी आवाज़ सुनती हो तो हम कलाकारों को थोड़ा सा ध्यान दें। ठीक है, अगर आवाज़ पहुंच रही हो कानों तक जिम्मेदारों के तो ये बहुत गंभीर सवाल है और बहुत छोटी छोटी मांगे जिसको पूरा करने की कोशिश यहाँ से की जानी चाहिए। इधर से एक सवाल आ रहा है, पहले वहां से ले लेता हूँ फिर मैं आपके पास आ रहा हूँ सवाल का जवाब लेने के लिए। जी
सर अभी कॉलेज और छात्रावास की बात हो रही थी, ये रणविजय प्रताप सिंह महाविद्यालय जो लीड कॉलेज कहलाता है वो कांग्रेस की देन थी, उसमें कभी भी प्रोफेसर नहीं थे, लेकिन जैसे ही 2018 में माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने वहाँ पे रेगुलर प्रोफेसर हुए, ये कांग्रेस की देन है। और इनकी बात होती है, ये कहते हैं कि छात्राओं की बात, भाई पहले एक कॉलेज था, जितने स्टूडेंट थे उनके लिए छात्रावास बना हुआ था, अब जब कॉलेज बड़े हैं तो उसके लिए छात्रावास बने, इन्होंने कोई विकास नहीं किया। और शिवराज सिंह चौहान को तो मैं बता दूं आपको एक बात, बहुत झूठ बोलते हैं, इतना बुरा झूठ बोलते हैं, जो उमरिया में इंदवार है, इंदवार को तहसील बनाने की उन्होंने घोषणा की थी, कोई इंदवार को तो पूछ ले, आज तक वो तहसील नहीं बना, सिर्फ ये घोषणा मुख्यमंत्री है। और जनता अब समझ चुकी है, जनता 2023 में माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ उमरिया से निजी स्थिति की चीजें हो रही है, आ रहा हूँ आपके पास, आ रहा हूँ, एक सवाल यहाँ से ले लूँ, फिर तीन एक साथ तीन सवाल लेता हूँ, जी बोलिए। देखिए, भाजपा वाले एक परिवारवाद पे भी बात करते हैं कि हम परिवार, यहाँ सन 77 से ज्ञान सिंह, फिर उसका लड़का, हो सकता है उसके लड़का भी हो गया हो 18-19 साल का, तो वो भी लड़ने के लिए तैयार है। यहाँ आदिवासी सीट सिर्फ ज्ञान सिंह ही आदिवासी है, इसके अलावा उमरिया जिले में आदिवासी है ही नहीं भाजपा के नजर में। तो जनता तो जिता रही है ना, लगातार आ रही है, कैसे जिता रही है, वही तो गंभीर मामला है ना, जिता रही है। चलिए, जनता को रहने सवाल, ठीक है, यहाँ से जवाब ले लेता हूँ मैं, रुके, आप बोल चुके हैं, और भी प्रतिनिधि अगर बोलना चाहे, जी जी बोलिए बोलिए बोलिए। ये जो कांग्रेस के लोग हैं ना, मैं आपको बताना चाहता हूँ, झूठ का पुलिंदा है। वो कह रहे हैं कि आपकी सरकार झूठ का पुलिंदा है। कहाँ है इनको इतने सारे, जब ये आंख ही बंद करके चलते हैं और बात करते हैं 1947 की, तो 1947 तक, 2003 तक तो आप बैठे थे, और आपने क्या किया, एक रिक्शा नहीं घुस सकता था इस शहर में, और आज आप देखिए 4-व्हीलर दोनों तरफ से आ जा रहे हैं, जनता को प्रकाश मिल रहा है, सफाई मिल रही है, स्वच्छता चलाया जा रहा है, नल जल योजना चलाई जा रही है, लाडली योजना चलाई जा रही है, और ये किस प्रकार की बात करते हैं, इन्होंने केवल झूठ का सहारा लिया है, और सन 1947 से लेकर आज तक झूठ ही बोलते चले आ रहे हैं, चाहे वो देश के बारे में हो, चाहे प्रदेश के बारे में हो, चाहे जिला के बारे में हो, केवल झूठ और झूठ के सहारे ये चाहते हैं कि जनता हमें स्वीकार करेगी, कभी नहीं। ठीक है, आप देखेंगे जनता स्वीकार नहीं करेगी झूठ पहचान। आप कुछ बना चाहेंगे इस तमाम विषयों को लेकर, जी बोलिए। ये उमरिया जिले में उद्योग के नाम से केवल कोल माइंस है, उसके अलावा कोई रोजगार नहीं है। उन कोल माइंसों में ये हालात है कि सब बंद होने के कगार में है, चाहे वो पाली की हो, चाहे उमरिया की हो, और जो माइंस खोली जा रही हैं वो उसमें रोजगार का कोई अवसर नहीं है, केवल मशीनरी से काम हो रहा है, ओपन कास्ट माइंस हैं। तो जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, लोग बेरोजगार रहेंगे तो कहाँ जाएंगे। ये हालत हो गई है उमरिया जिले के, युवा मध्य प्रदेश के बाहर रोजगार की तलाश में सैकड़ों की संख्या में गए हैं, जिसका पता उस समय चला जब कोरोना आया, तो उस समय पता चला कितने सारे लोग यहाँ लौट के आए। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नहीं है, न मानपुर में विद्यालय में टीचर हैं, न डॉक्टर है, महिला डॉक्टर तक यहाँ पर कांग्रेस के समय में जो पोस्टिंग हुई थी वही है, दूसरी महिला डॉक्टर पोस्टिंग नहीं करा सके। यह हालत है कि एनेस्थीसिया का एक डॉक्टर नहीं है, कोई ऑपरेशन उमरिया में नहीं हो सकता, एनेस्थीसिया का डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं करा सके, बाकी काम क्या कराए। ठीक है, आ रहा हूँ, रुके ना एक मिनट, पीछे से सवाल है, मैं ले रहता हूँ, आप उनके पास जाता हूँ, जी बोलिए बोलिए। माननीय घोषणा जो करने वाले हमारे शिवराज सिंह चौहान जी घोषणा मशीन है, 15 अगस्त को बोले थे कि 1,00,000 नौकरियां दूंगा, आज तक 15 अगस्त कितना, आज कितनी तारीख है, 1,00,000 नौकरियां कहाँ हैं, जितनी नौकरियां थी वो भी चली गई, 15 अगस्त तो आ गया चला गया, 1,00,000 नौकरियां कहीं आता पता नहीं है। आज उमरिया में नगर पालिका की सरकार है, आप हर वार्डों में जाके देखिए, सुबेरे 7 बजे से ट्रैक्टर निकलते हैं, सफाई होती है, हर कर्मचारी के यहाँ वार्डों में सब काम होता है। और जो इससे पहले थे भाजपा में, जो नगर पालिका में सरकार थी, उनके शासन में जो काम हुआ सिर्फ भ्रष्टाचार, वार्ड नंबर 23 अभी बना है, 6 महीना हुई थी रोड बने, आज जाके उस हालत करें कि जर्जर हो गई है। आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको।
के कोई भी न रहे, सबके पास हो अपना आवाज। इस ध्येय के साथ छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के नागरिकों को आवास उपलब्ध कराने में शिद्दत से जुटी है। इसी कड़ी में कदम और आगे बढ़ाते हुए विशेष आवासीय योजना के तहत रायपुर के सेरी खेड़ी में जन प्रतिनिधियों, अखिल भारतीय और मंत्रालयीन सेवा के अधिकारियों को भूमि आवंटित किया गया है, जो एक कॉलोनी के रूप में विकसित हो चुकी है। I believe I can. I believe I can change the world. I believe I can fly.